मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा आज आप लोगों को कुछ खास बात बता रहा हूँ इस संबंध में, स्टेपनिंग के संबंध में। मैंने इसके पहले भी अनेकों वीडियो डाला है, सारा वीडियो में मैंने करीब करीब एक ही तरह का बात बताया है, वो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया है। स्टेपनिंग एक रोग है, स्टेपनिंग कैसे ठीक होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, स्टेपनिंग की ओर पाउडर खाइए, और मैंने आहार विहार के बारे में बताया। पर एक ही तरीका का एक ही कॉन्सिक्वेंसेस को मैंने बताया कि इस तरीका से स्टेबलिंग ठीक होता है। और आज मैं थोड़ा सा इस लीक से अपने को अलग कर आपको मैंने आपको और कुछ बता रहा हूँ कि स्टेबलिंग में जो भी मैंने बताया वो अच्छरसा सही है कि स्टेबलिंग कैसे ठीक होता है। स्टेबलिंग एक डिजीज है, स्टेबलिंग का ट्रीटमेंट है। मेरे पास हम बहुत बड़ा स्टेबलर थे, मैंने अपने को पहले ठीक किया, अब पूरा दुनिया अब उसी मेथड से हम ठीक कर रहे हैं, ये अच्छा सही है। अब सवाल है कि ये स्टेबलिंग जो है इसमें कुछ चीज इसमें बहुत जरूरत है, आपका आपके अंदर में कुछ चीज ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि ये जो चीज है ये आपके अंदर से निकल जाए। इसमें दो तीन पॉइंट को मैं इसको बताना चाहता हूँ। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेबलर के लिए कि पेशेंस उसमें रहना चाहिए। हम बताते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए टाइम से अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद जस्ट काऊ का घी में खाली पेट में दवाई खाइए, सुबह शाम दवाई खाइए, सिर्फ एक टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अब पेशेंस रखिए, पेशेंस। जब मेरे जैसा स्टेबलर जब ठीक हो सकता है, तमाम तरीका के स्टेबलर लोग ठीक हो सकता है, बड़े बड़े स्टेबलर ठीक हो सकते हैं, तो आप लोग का भी स्टेबलर एकदम स्टेबलिंग एकदम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पेशेंस रखिए। पेशेंस का मतलब ये है कि उसको रेगुलर कीजिए और विश्वास रखिए, ऑप्टिमिस्टिक होइए, आशावादी। देखिए एक चीज आप समझिए कि आदमी के दिमाग में बहुत शक्ति है, आदमी अपने शक्ति को पहचानता नहीं है। आदमी के भीतर में, आदमी के अंदर में, आदमी के वो अंदर में वो असीम शक्ति छुपा हुआ है। वो असीम शक्ति जो है अपने शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ही वो ताकत है। हम सिर्फ इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा, इस मेडिसिन के द्वारा उस ताकत को भी बाहर निकालते हैं, आपके अंदर में उस कॉन्फिडेंस को जगाते हैं, और साथ में इजवात कफ जो बीमारी है उसको दूर करते हैं। कहीं ना कहीं बचपन से एक डर बैठा रहता है, एक साइकोलॉजिकल एक मैनिफेस्टेशन उसमें रहता है, और जो है आदमी घबराता रहता है, पल्पिटेशन होते रहता है, नर्वसनेस होते रहता है, एक्साइटमेंट होते रहता है, बेचैन रहता है बोलने के लिए। उसको लगता ही नहीं कि रुक रुक कर एक कॉन्फिडेंटली जो आदमी बोलना चाहिए आराम आराम से, उसको लगता ही नहीं कि हम ऐसा बोल पाएंगे। उसको हमेशा उसको भीतर में लगता रहता है कि ताकत अंदर में नहीं है, कॉन्फिडेंसलेसनेस का उसको एहसास होते रहता है। तो ये सब जो चीज़ है, ये इस ट्रीटमेंट से, हम जो ट्रीटमेंट बताते हैं 100% क्योर हो जाता है। बहुत जल्दी पल्पिटेशन कम होने लगता है, हार्ट बीट में आराम मिलने लगता है, नर्वसनेस उसके साथ कम होने लगता है, एक्साइटमेंट जो है बेचैनी है ब्रेन का वो कम होने लगता है, फियर कम होने लगता है, उसके बाद जस्ट तुरंत साउंड पर फिर असर आने लगता है, आपका ब्रीदिंग पर आपका कंट्रोल हो जाता है। जैसे ही आपका ब्रीदिंग पर कंट्रोल हो जाता है, फिर आपका जो साउंड है, आपका जो स्पीच है, उस पर आपका कंट्रोल होने लगता है। फिर स्टेबलिंग कहाँ, फिर तो कुछ पता ही नहीं चलता कि स्टेबलिंग कहाँ चला गया। तो ये सब सारे स्टेबलर दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबके साथ हो सकता है। डॉक्टर संजय मिश्रा के साथ जब स्टेबलिंग ठीक हो सकता है, तमाम मेरे दोस्तों का स्टेबलिंग ठीक हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। आप पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखने के साथ साथ आप इस ट्रीटमेंट को जो हम करवाते हैं उसको उसमें रेगुलरिटी रखिए।
अब सुबह में हम कहेंगे कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, तो आप उसको कीजिएगा 8 बजे 9 बजे दिन में। 9 बजे दिन का ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज नॉट सो बेनिफिशियल। जब सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये प्राणायाम है, ये जोगिक मेथड है, योगा का पार्ट है। इसमें सूर्योदय के पहले किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग करें इसको। उसके बाद जो हम जैसे खाने के लिए मेडिसिन बताए हैं, 20 मिनट के बाद गाय का घी को उसको हल्का सा गर्म करके उसको पिघलाकर उसमें दवाई मिलाकर चाट जाना है। 1 कप सुसुम पानी पी लेना है। और ठीक इसी तरीका से रात में खाने के आधा घंटा पहले उस मेडिसिन को खा के फिर पानी पी लेना, सुसुम पानी। अब इसमें होता क्या है कि कुछ मेरे दोस्त जो है स्टमरर, अब उनको लगता है कि सर ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दिया, अब सुबह हमें हम सिर्फ बताए हैं, वो शाम को भी करने लगते हैं। शाम को नहीं करना है दोस्तों। शाम को करने से वो एक्साइटमेंट और दिमाग में उस शाम को उस जो डोज है कोई चीज का, कोई रोग का जो डोज है, मेरे द्वारा इस बहुत लंबा समय तक इस पर शोध किया गया, प्रयोग किया गया, तब मैंने बताया कि एक ही टाइम करना है, शाम को नहीं करना है। शाम को करने से टेंशन बढ़ जाता है, स्टैमिनिंग भी बढ़ सकता है। दोनों टाइम, एक टाइम करना है सुबह में कि जो रोग है उसका ये डोज है, ये मेडिसिन का डोज है, ये मेडिसिन और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये इस रोग का स्टैमिनिंग का ये प्रॉपर डोज है। एक बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए सुबह में, दोनों टाइम दवाई खाए, रेगुलर किए, पेशेंस रखे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, आशा रखे कि हाँ ठीक हो जाएगा। ये तब तो देखते हैं कि ये तमाम, ये कभी कभी ये मेरे लोग हैं, 2-4 दिन में नहीं आराम मिला तो अब जिंदा नहीं रहेंगे, सुसाइड कर लेंगे, तो ये कर लेंगे वो कर, इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। मैंने 34 साल इसको झेला है इसी आशा के साथ कि एक दिन ये ठीक हो जाएगा। मैंने 34 साल तक एक्सपेरिमेंट किया है और जैसे ही मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, बहुत जल्दी तुरंत एकदम ठीक हो गया, और फिर पता ही नहीं चला कि ये इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया। तो उसी ट्रीटमेंट को हम आप लोगों को बताते हैं, और मेरे तमाम मित्रों का ऐसा ही होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। किसी किसी को जिसका सीवियर स्टैमरिंग है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पेशेंस मत खोइए, आशा रखिए, विश्वास रखिए। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, कोई भी चीज में सफलता पाने के लिए पेशेंस को बरकरार रखना चाहिए। और आप अपने को पहचानिए, बहुत शक्ति आपके अंदर है, छुपा पड़ा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का जो कमी हो गया है इस रोग के चलते, जो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया है इस रोग के चलते, वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगा। एक बार जब इस तरह से आप मुक्त हो जाएगा, तब देखिएगा कि आपका जीवन में क्या चेंजिंग आता है। आप स्टार्टिंग में जब 2-4 आदमी के बीच में जब आपको बोलने में वो घबराहट, हतराहट, पॉपिटेशन, नर्वसनेस जब अभी होता होगा, और जब आप 100% ठीक हो गए, जब 100 लोग के बीच में जब आप 100% जब एकदम ठीक बोलिएगा, कहीं भी सक्सेस कीजिएगा, जहां भी फ्लुएंटली बोलिएगा, तब आपको लगेगा कि जीवन में क्या खुशी है। और तब आपको पहले का चीज आपको लगेगा कि हमने क्या कह रहे थे कि ये हम मर जाएंगे तो ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। ये इस बात को दिमाग से निकालिए और इस बात को दिमाग में बैठाइए कि ये एकदम ठीक हो जाता है। जैसे सर्दी खांसी बीमारी बुखार टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, बीमारी है, उसी तरीका से स्टैमिनिंग इज ए डिजीज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। बार बार इस बात को कहते हैं हम, और सोए भी रहेंगे, सपना में भी रहेंगे, तो भी हम इस बात को कहेंगे कि स्टैमिनिंग एक रोग है। ये पूरा दुनिया कह रहा है कि स्टैमिनिंग एक रोग नहीं है, आदत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि स्टैमिनिंग एक रोग है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब कहने लगे, पहले लोग नहीं कहते थे कि आदत है, लेकिन हम जब से बोल रहे हैं तब अब तो देख रहे हैं कि बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट, बहुत सारे लोग अब कहने लगे कि नहीं नहीं स्टैमिनिंग एक रोग भी है, एक आदत भी है, अब लोग ऐसा कह रहे हैं। बहुत जल्दी ये साबित हो जाएगा कि स्टैमिनिंग एक रोग है,
इसलिए कि इस रोग का मैंने ट्रीटमेंट किया है, अपना ट्रीटमेंट किया है, दूसरों का हम कर रहे हैं, ह्यूज सक्सेस है, स्टैमिनिंग एकदम ठीक हो जाता है, पेशेंस रखिए, दवाई आप ट्रीटमेंट करवाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सही समय पर कीजिए, दवाई खाइए और रिलैक्स रहने का कोशिश कीजिए, इतना इतना जल्दी घबराना नहीं चाहिए, बी पेशेंस, कीप द पेशेंस, बार बार हम अपने पेशेंट कहते हैं कि कीप द पेशेंस, इसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और जो पेशेंस रखता है वो एकदम ठीक हो जाता है, उसको फिर ये बीमारी कभी वापस नहीं आता है, इस बीमारी के चलते कभी जीवन में टेंशन नहीं होता है, वैसे तो जीवन में बहुत सारा चीज़ है टेंशन होने के लिए, इस स्टैमिना के चलते फिर जीवन में कभी टेंशन नहीं होता है, हम प्रॉमिस करते हैं कि जो इस ट्रीटमेंट को करवाएगा उसका पेशेंस रखेगा, रेगुलर जैसे हम बताते हैं वैसे करेगा, तो कैसा भी स्टैमिनिंग हो, कितना भी ज्यादा स्टैमिनिंग हो, कितना भी सेवियर हो, कुछ टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ठीक नहीं हुआ हो, ये ऐसा हो सकता है कि टाइम लगे, पेशेंसली उसको करना है और उसको अपने को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो बताते हैं वो सब, ऐसे भी दिमाग काम रहता है, जो जो परहेज हम बताते हैं थोड़ा उसको पालन करना चाहिए, इसलिए के बाद कफज बढ़ाने वाला जो चीज़ है अगर आप खाइएगा तो फिर से वो जो है उसको उतना आराम आपको नहीं मिलेगा, अगर उसको ठीक तरीका से पालन कीजिएगा तो बहुत जल्दी जो है ये रिकवरी इसमें हो जाता है स्टैमिना का। ओके बाय दोस्तों।